महिला और बच्चों पे होने वाले अत्याचार रोकने के लिए सरकार नए नए नियम और नए नए कानून बनाती रहती है, फिर भी अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। मानकुर ब्रिज के नीचे से एक 3 साल की लड़की को एक आदमी चॉकलेट का लालच दे के उसको अपहरण करता है और उसका बलात्कार करके उसकी लाश चिक्कूवाड़ी मैदान में पाई जाती है। उससे आगे बढ़कर आप भी लड़के देख रहे तो उससे बात कर रही घूमकर, मैं घूमकर जाने लगी तो देखे तो उससे बात करते, मैं उसका हाथ पकड़ कर खींचे में तो क्या बोलता है, रहने तो तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छा बोलती है, उसको रुको चॉकलेट दिला दे। मैं बोला तुम कौन चॉकलेट दिलाने वाला है, मैं उसको चॉकलेट दिलाएगी, उसको लेकर मैं पीछे पीछे फिर नहीं मालूम ब्रिज तक मैं उसका हाथ पकड़ते लेकर आई, ब्रिज में हाथ छूटा चप्पल लेने लगी उसने। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, आरोपी को पकड़ लेती है। अभी वो आरोपी पकड़े गए हैं? हाँ। तो कहाँ पकड़े गए हैं? वहाँ पर चौकी में है। ऐसी घटनाएं जिनके साथ में होती है उनको महाराष्ट्र सरकार मनोधारी योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए की मदद करती है। इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन मंत्री के परिवार को अभी तक कोई मदद नहीं मिली। बताइए मनोधारी योजना के अंतर्गत आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं? नहीं। तो वो मिले हैं आपको? नहीं। तो आपने वहाँ पे कभी पूछा है पुलिस वालों से? पुलिस वाले ने कुछ बताया है आपको? बोले हैं कि 3 लाख रुपया आएगा और उसमें करीब 25-25 हज़ार कर तू चेक मिलेगा। तो ये कभी बताया था उन्होंने? तो 1 महीना पहले बताया था। इतने दर्दनाक हादसे के बाद में वो लड़की तो नहीं रही लेकिन मनोधारी योजना के अंतर्गत उन्हें जो 3 लाख रुपये मिलने चाहिए वो उन्हें अभी तक नहीं मिले। मुंबई मानखुर से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।